हमारा विवाह टूटने अभी शेष है राधे। किंतु कैसे होगा? वास्तविकता, हमें व्योमेश की वास्तविकता सबके सामने प्रकट करनी होगी। हमें? किंतु मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है राधा, केवल जाके इतना बताना है कि मैं यहाँ हूँ, बस। शेष वो स्वयं कर देगा। यदि सत्य जानकर उसने तुम पर आक्रमण कर दिया तो? तुम ही ने कहा था ना कि वो असुर है। बहुत ही बल है उसमें और बहुत ही शक्ति है। प्रेम से अधिक शक्ति और बल और किसमें है राधे? जब मेरी शक्ति, जब मेरा प्रेम मेरे साथ खड़ा, तो इस संसार का कोई भी संकट, कोई भी असुर मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। कहो मुझे क्या करना है कृष्ण? अब ना तुम हो, ना मैं हूं, अब हम हैं राधे। अब हम जो भी करेंगे हम साथ मिलकर करेंगे। आज तो खाना बहुत बुरा फंसा, प्रतीत होता आज उसे दंडा खाना ही होगा। और क्या, किसी के प्रेम का उपहास उड़ाओ तो और क्या होगा? ये मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? अब इससे पहले कि ये मेरे पीछे पड़ जाए, मैं मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा परंतु तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं बाहर जा रहा था तुम्हें ढूंढने के लिए। किंतु आप मुझे इतनी रात्रि में क्यों ढूंढ रहे हैं? सुना मैंने तुम वहां लुका छुपी खेल रही थी ना, परंतु वो अयन के कारण तुम्हारा खेल अधूरा रह गया। आओ बलदेवी, हम दोनों मिलकर पूरा करते। अरे नहीं नहीं, वो अभी पापा और मेरा खेल चल रहा है तो हम बीच में नहीं खेल सकते। तो ठीक है ना, मैं भी खेलता हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है तो जाइए, वहां जाकर छिप जाइए। जाइए चलिए, जाइए। जाओ दामा, जाओ जाकर छिप जाओ और सारी रात्रि छिपे ही रहना, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है तुम्हें ढूंढने। शीघ्र मुझे महाराज कंस का दिया हुआ काम पूर्ण करना होगा, अन्यथा मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है। व्योमेश, राधा, इतनी रात अचानक तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? वो व्योमेश, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। कैसी बात राधा? वो कृष्ण, वो यहाँ आ गया है। क्या? मुझे पहले से यह आभास हो रहा था कि वो कृष्ण मौन बैठने वालों में से नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। कहाँ देखा तुमने उसे? बताओ राधा, शीघ्र बताओ। मैंने उसे घर के बाहर देखा, अभी देखा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो मेरा विवाह तोड़ने आया है। तुमने तो कहा कि तुमने कृष्ण को केवल देखा है, तो फिर मुझे ये आभास क्यों हो रहा है कि तुम कृष्ण से मिलके भी आई हो? वो बात, वो बात ये है कि मैं बहुत ही भयानक बात हो गई है रमेश जी। राधा जी, आप ही ना पूरी बात नहीं बताती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो गोपा? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ?
में आए हो क्योंकि मैं भी उसी नैया में सवार हूँ जिसमें राधा जी हैं। राधा जी सत्य कह रही है व्योमेश जी, कृष्ण सच में आ गया है। मैंने स्वयं देखी ना, मैं स्वयं अपने नेत्रों से उसे देखा और राधा जी से मिला व्योमेश जी। और क्या कहा उसने? मैं व्योमेश से तुम्हारा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। ठीक ऐसे ही कहा उसने, इसी स्वर में कहा कृष्ण ने, है ना राधा जी? इतना तो साहस उसने यहाँ आकर मेरा विवाह रोकने की बात कही। अपमान किया आपका, चुनौती दी। हाँ, और मैंने कृष्ण को पकड़ने का भी प्रयास किया। हाँ, राधा जी ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, पर यहाँ पकड़ा, पर ऐसे दबाया, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे धक्का दिया। और बस फिर गोपा आ गई और उसने कृष्ण के ऊपर रस्सी डाल दी। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया उसके आगे, देखिए मैंने क्या किया। बस मैंने पकड़ी, हाँ पकड़ी है ना, पकड़ी पकड़ो तो। किंतु तुम मुझे क्यों बांध रही हो? अरे आपको बांध कर रही है वो बस आपको दिखा रही है कि मैंने कृष्ण को कैसे बांधा था। हाँ राधा जी, और आगे बताइए। हाँ, और फिर मैंने यू डंडा उठाया। हाँ, देखो। और कृष्ण की तरफ घुमाया और यू मारा। इतना विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे विश्वास है तुम पर। ये बताओ फिर क्या हुआ? अरे पूरी बात तो सुन लो। फिर क्या हुआ पता है? उसने मेरा भी हाथ पकड़ा और उस नीलच ने मुझे ऐसे निकट खींचा और मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। मैं क्रोध में थी, मैं भय में थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। फिर तो वो बांसुरी बजाने लगा, इतनी मोहक बांसुरी बजाई कि मैं नाचने लगी, मैं सुदबुद खोके मैं नाचने लगी। इतनी नाची कि अब मेरा जोड़ दुख रहा है। देखिए ना, अब मैं उस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा विवाह रोकने का प्रयास कर रहा है। अब मैं इस कहानी और उस कृष्ण का अंत यही कर दूंगा। अंत तो होगा तुम्हारा और तुम्हारे इस अध्याय का व्योमेश। अब बस अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जा, क्योंकि तुम्हारा सत्य सबके सामने लाने का समय आ गया है व्योमासुर।